देखिए सलार से आज भी काफी सारी न्यूज आ गई है। जहां तो पहले आपको बता दूं प्रभास आज फाइनली इंडिया वापस आ चुके हैं अपना नी का ऑपरेशन कराने के बाद लंदन से, लेकिन पता नहीं इनका नी का समस्या पूरी तरह से ठीक हो पाया है या नहीं। बट इनके भारत आते ही होमबाले कंपनी ने सलार के एडवांस बुकिंग फिर से अमेरिका में चालू कर दिया है। जी हाँ, प्रेथियन ग्रीस सिनेमा सलार का भी सही कुछ लोकेशन पर टिकट सेल करना चालू कर दिया यूएसए के अंदर। बाकी भाई इसके बाद होमबाले कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चलीव गौडा मीडिया में आए थे और वहाँ उन्होंने बोल दिया हम सलार से दिवाली पर तो कोई अपडेट नहीं भेजेंगे, लेकिन दिवाली के बाद से सलार का अपडेट आना चालू हो जाएगा। सबसे पहले हम सलार का ट्रेलर दिवाली के बाद ही रिलीज करेंगे, तब उसके बाद ही हमारी टीम मीडिया में इंटरव्यू और प्रमोशन मार्केटिंग करेगी फिल्म की। यानी कि सलार का ट्रेलर दिवाली के बाद ही आएगा, हम बाले कंपनी ने खुद बोला है मीडिया में आके, मतलब सच में आएगा ही सलार का वीडियो प्रोमो, सो इसी का आने का इंतजार किया जाए। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा चली गौड़ा सलार का प्रमोशन भी करेंगे, तो भाई प्रभास इस बार केजीएफ 2 के जैसे ही प्रमोशन प्रशांत नील के साथ पूरे इंडिया में करने वाले हैं। उनका कई दिन का प्लान भी होगा नॉर्थ इंडिया में प्रमोशन करने का, जो पिछली बार प्रभास आदि पुरुष के समय नहीं किए थे, बट अब की वह सलार का प्रमोशन करेंगे जरूर। वेल भाई साथ में सलार का रन टाइम भी अब रिवील हो चुका है। एक्चुअली में सलार का रन टाइम प्रशांत नील केजीएफ 2 से भी बड़ा रखे हैं। जहां यश भाई की केजीएफ 2 पूरे 2 घंटा 48 मिनट लंबा था, तो वहीं प्रभास की सलार 2 घंटा 55 मिनट लंबा होगा रन टाइम के मामले में। और प्रेथियन ग्रीस सिनेमा 21 दिसंबर को ही सलार का पहला शो अमेरिका में दिखाना चालू कर देगा। बाकी देखा जाए प्रभास इंडिया आते ही अपने कौन सी फिल्म का शूटिंग चालू करते हैं सबसे पहले। सलमान खान के टाइगर 3 का इस समय अच्छा खासा टिकट एडवांस बुकिंग में सेल हो रहा है। आज सुबह 8 बजे तक टाइगर 3 का 2,20,000 से ज्यादा टिकट भारत में सोल्ड हो चुका है एडवांस बुकिंग के अंदर। और उसके अलावा टाइगर 3 का फर्स्ट हाफ 1 घंटा 10 मिनट लंबा होगा, तो वहीं टाइगर 3 का सेकेंड हाफ 1 घंटा 25 मिनट लंबा रखे मनीष शर्मा, और पूरी फिल्म की रन टाइम 2 घंटा 35 मिनट से भी ज्यादा है। बाकी भाई 12 नवंबर को ही पता चलेगा ये स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3 किस लेवल की फिल्म होती है। देखिए अक्षय कुमार एक अपनी पुरानी कॉमेडी फ्रेंचाइज के फिल्म का शूटिंग चालू करने जा रहे हैं बहुत जल्द ही। एक्चुअली में उनके हाउसफुल 5 का शूटिंग साजिद नादेवाल अगले साल जनवरी महीना से चालू कर देंगे। वैसे फिल्म का भी स्टार कास्टिंग फाइनल नहीं हुआ, बस रितेश देशमुख ही कन्फर्म हुए इस हाउसफुल 5 में, और बाकी इनके दोस्त और हीरोइन की कास्टिंग इस नवंबर महीना में हो जाएगा। शायद काफी सारे न्यू चेहरे भी इस हाउसफुल फ्रेंचाइज के 5वां फिल्म में देखने को मिलेंगे आपको। वैसे फिल्म का बजट है 350 करोड़ और फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तरुण मनसुखानी, जो माय नेम इज खान जैसी फिल्म बनाए थे। रणबीर कपूर की एनिमल अमेरिका के अंदर जवान और अपनी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है 1 दिसंबर को। जी हां, इनकी फिल्म वहां पूरे 888 स्क्रीन पर रिलीज होगा, जबकि शाहरुख खान के जवान वहां 850 स्क्रीन और उनकी ब्रह्मास्त्र 810 स्क्रीन पर रिलीज हुआ था यूएसए के अंदर। लेकिन अब एनिमल हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी रिलीज बनने जा रही है अमेरिका में जवान को बीट करके 1 दिसंबर को। वैसे अब जल्दी विकी कौशल की सैम बहादुर का भी स्क्रीन का डिटेल सामने आ जाएगा। बाकी सैम बहादुर का ट्रेलर सच में फायर था। ये सैम बहादुर हिंदी सिनेमा की सबसे पावरफुल बायोपिक होगा इस साल की। वैसे सैम बहादुर को डायरेक्ट की है मेघना गुलजार, जो राजी और छपाक जैसी फिल्म बनाई थी। यानी इनका सैम बहादुर का कंटेंट भी टॉप लेवल का होगा ही 1 दिसंबर को एनिमल के सामने। थाला फैटी विजय के लियो ने आज रजनीकांत सर की जेलर और 2.0 फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ओवरसीज मार्केट में, क्योंकि अब लियो का 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हो चुका है ओवरसीज मार्केट में। और जबकि यह रिकॉर्ड जेलर और ओवर 2.0 और पोनियन सेल्वन जैसी फिल्म नहीं बना पाया था ओवरसीज में। और इसी के साथ लियो तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा ओवरसीज में कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है बॉक्स ऑफिस पर। देखिए रामचरण की गेम चेंजर से भी एक अपडेट आ गया है। एक्चुअली में गेम चेंजर का ऑडियो राइट सारे गामा कंपनी को दिल राजू ने बेच दिए हैं, लेकिन अभी नहीं बताया गया कितने दाम में सारे गामा कंपनी ने गेम चेंजर का म्यूजिक राइट को खरीदा है।
वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, इस गेम चेंजर फिल्म को सिर्फ ए शंकर डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को किसी और ने लिखा है और वो राइटर हैं तमिल के कार्थिक सुब्राज, जिनकी 10 नवंबर को जिगर ठंडा XX फिल्म आ रही है पैन इंडिया। इनका बोलना है गेम चेंजर का स्क्रिप्ट केवल बड़ा हीरो ही बना सकता है और उसमें काफी ज्यादा पॉलिटिक्स भी है, इसलिए मैं गेम चेंजर का स्क्रिप्ट एस शंकर को दे दिए और वो अभी रामचरण के साथ फिल्म बना रहे हैं तेलुगु में। बाकी कार्तिक सुब्राज का जिगर ठंडा XX भी बड़ी अच्छी फिल्म लग रही है, बट अफसोस की बात यह है कि हिंदी मार्केट में कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मेकर्स भी ज्यादा फोकस हिंदी रिलीज में नहीं दे रहे हैं जिगर ठंडा XX के मामले में। शायद कम ही चांस है कि सलमान खान की टाइगर 3 के सामने ये जिगर ठंडा का शो कहीं भी चले हिंदी के थिएटर में। अब चलिए बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं, जहां तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे थाला फटी विजय के लिए से ही, जहां विजय सर की फिल्म ने मंडे के दिन कलेक्शन किया था 1,65,00,000 रुपया, तो वहीं कल अपने मंगलवार के दिन लियो ने 1,55,00,000 रुपया कमाया है पूरे इंडिया में, जिसमें से हिंदी मार्केट में लियो ने 25,00,000 रुपया कमाया बॉक्स ऑफिस पर। और इसी के साथ लियो का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 20 दिन में 325,50,00,000 रुपया और हिंदी में टोटल 25,25,00,000 रुपया हो चुका है विजय सर का लियो का। और वर्सेज मिलाकर लियो ने 580 करोड़ कमाई किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। देखिये विक्रांत मासी के 12th का जरा सी ग्रोथ फिर से हुई है बॉक्स ऑफिस पर, जहां 12th ने मंडे के दिन 1,31,00,000 रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं कल मंगलवार के दिन विक्रांत मासी की फिल्म का कलेक्शन 1,40,00,000 रुपए हो चुका है पूरे भारत में। और इसी के साथ फिल्म का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 12 दिन में 24,16,00,000 रुपए हो चुका है और वर्सेज मिलाकर फिल्म ने 30 करोड़ कमाई किया है पूरे दुनिया के मार्केट में। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।